दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम आपको दिखाएं कि ब्लॉक नंबर से आई कॉल का नोटिफिकेशन आपका स्क्रीन पे कैसे मिल सकता है। ये देखिए हम आपको कॉल करके दिखा रहे हैं जो नोटिफिकेशन मिल रहा है ब्लॉक नंबर से। अब दोस्तों मैसेज कर रहे हैं, ये देखिए ये नंबर ब्लॉक है और यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, मतलब जो मैसेज है दिखेगा। तो हम कैसे करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप एक्चुअली देख लो। दोस्तों वीडियो के स्टार्ट गाइस आपको अपना स्क्रीन पे लेके आ गए हैं और यहाँ पे ट्रू कलर को ओपन करना है आपको फ़ोन में, और यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो डायलर उसे ट्रू कलर करना है, उसके बाद सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद फिर से आप मैसेज का ऑप्शन आएगा तो इसमें भी आपको ट्रू कलर को ही सेट करना है दोस्तों, जो कि डिफ़ॉल्ट मैसेज ऐप्स का परमिशन मांगेगा, तो ट्रू कलर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट करना है। तो यहाँ पर ही हो गया। अब दोस्तों फ़ोन नंबर से आपको लॉगिन कर लेना है आपका पर्सनल फ़ोन नंबर से, उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, बैकअप का ऑप्शन पे लेटर कर देना है और यहाँ पर जो प्रीमियम का ऑप्शन है इसे भी बैक कर लेना है अगर आप नहीं चाहते तो। अब दोस्तों ये आ गया मेरा कॉलर का स्क्रीन। अब यहाँ पर जो नंबर को हम ब्लॉक करना चाहते हैं ये नंबर को टेस्ट इस पर क्लिक करके होल्ड करना है, और उसके बाद यहाँ देखिए ब्लॉक का ऑप्शन ऊपर मिलता है, ब्लॉक का यहाँ पर क्लिक करके पर्सनल पर क्लिक करना और ये येलो कलर का जो बटन है ब्लॉक इस पर क्लिक कर देना और ये डिसमिस। तो हो गया नंबर ब्लॉक। अब हम आपको दिखाते हैं कॉल करके जो नंबर ब्लॉक की, ये देखिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ये देखिए। तो ऐसे करके आपको ब्लॉक नंबर से आए कॉल का नोटिफिकेशन मिलेगा। अब दोस्तों कॉल का नोटिफिकेशन तो आपको मिलते रहेगा, पर जो मैसेज का नोटिफिकेशन है उसे कैसे करके आपको अपना फ़ोन में देखना है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस में हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, आप सेम तरह से देख सकते हैं। आपको मैसेज का जो नोटिफिकेशन स्क्रीन पर डायरेक्टली नहीं शो करता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ऐप्स जब आप ट्रू कलर को सेट करते हैं तो यहाँ पर ही दोस्तों स्क्रीन पे शो नहीं करता, आपको ऐप्स का जो सेटिंग है ट्रू कलर का वहाँ पर ही जाकर देखने पड़ता है। तो यहाँ पर ही हम जो दिखा रहे हैं ये कॉल ब्लॉक का नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, ऐसे ही शो करेगा। आपका बैकग्राउंड में ऐप चले या ना चले कोई बात नहीं, बस डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए ट्रू कलर। अब दोस्तों यहाँ पर ही हम आपको दिखाते हैं मैसेज करके, देखिए एक मैसेज करते हैं और यहाँ पर ही ये देखिए ब्लॉक कॉल का जो नोटिफिकेशन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो कि रेड हुआ हुआ है। ये देखिए हम मैसेज कर रहे हैं और मैसेज यहाँ पर ही कुछ शो नहीं कर रहा है। अब मैसेज का ऑप्शन यहाँ पर नीचे है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही फिर भी नहीं शो कर रहा, तो यहाँ कहाँ शो करेगी, ये देखिए ऊपर ब्लॉक का जो ऑप्शन है रेड देखिए मार्क हुआ हुआ। अब देखिए जो जो ब्लॉक नंबर से आए यहाँ पर मैसेज होगा यहाँ पर रेड होके रहेगा, ये देखिए टेस्ट ब्लॉक है 2:48 में जो कि हम मैसेज किया, अभी देखिए 2:48 हो रहा है और यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर जितना भी मैसेज करेंगे टाइम शो करेगा और रेड होकर रहेगा, मतलब जितना मैसेज है बगल में आपका नंबरिंग शो करेगा जितना मैसेज वहाँ पर आया हुआ है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जितना मैसेज है ब्लॉक कॉल का जो नोटिफिकेशन यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जो टाइमिंग वगैरह कौन टाइम में नंबर पे कॉल आया था, ये देखिए हम मैसेज किए और ये रहा मैसेज इन हो रहा, देखिए जो मैसेज भेजा जा रहा ब्लॉक नंबर से यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप यहाँ से इजीली ब्लॉक नंबर से आए मैसेज को देख सकते हैं और नोटिफिकेशन तो स्क्रीन पे ही दिखा रहा आपको बता दिए। तो वीडियो को कैसे करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना आप वीडियो देख के कर सकते हैं अपना फ़ोन में, और अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बहुत हेल्पफुल वीडियो हुआ था आप लोगों के लिए, बनाए हैं बहुत मुश्किल से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।